गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, हम बात कर रहे थे हमारी पाठ्यपुस्तक वितान का प्रथम अध्याय सिल्वर वेडिंग, जो कि मनोहर श्याम जोशी के द्वारा रचा गया है। इस पाठ में परिवार के सदस्यों के संबंध और पीढ़ी अंतराल के कारण संस्कारों में आने वाले परिवर्तनों का उल्लेख किया गया है। हम बात कर रहे थे पाठ के सारांश के बारे में, जिसमें मैं आपको बता चुका था कि यशोधर बाबू अपने ऑफिस में क्या करते हैं। उनकी विवाह की 25वीं वर्षगांठ होती है तो ऑफिस के बाबू उनसे क्या आग्रह करते हैं और ऑफिस के बाद यशोधर बाबू का दैनिक कार्यक्रम क्या होता है। इसके पश्चात देखिए इस पाठ में क्या बताया गया है कि यशोधर बाबू को अक्सर किशनदा, जिनका नाम मैंने आपको बताया था कृष्णानंद पांडे, उनकी याद आती रहती है। तो किशनदा की याद किस प्रकार आती है वो मैं आपको बता रहा हूँ। आज यशोधर जी जब बिड़ला मंदिर जा रहे थे तो उनकी निगाह उस अहाते पर पड़ी, यानी उस झरोके पर पड़ी जिसमें कभी किशनदा 3 बेडरूम वाले क्वार्टर में रहते थे। उस क्वार्टर के स्थान पर अब एक 6 मंजिला मकान बन गया है। क्यों? क्योंकि समय के साथ विकास की रूपरेखा तय होती है और पुरानी चीज़ों को नष्ट करके नई चीज़ों का निर्माण होता है। इसी प्रकार से पुराने मानव मूल्य, पुराने संस्कारों को तोड़ करके आज नए संस्कारों का निर्माण हो रहा है और यही निर्माण, नए संस्कारों का निर्माण ही यशोधर और उसकी पीढ़ी के बीच में मतभेद का मूल कारण है। ये पुराणों को छोड़ना नहीं चाहते और नयों को स्वीकार करने में इनको शर्म की अनुभूति होती है। वो परंपराओं को भी ग्रहण करना चाहते हैं और थोड़ा बहुत नयों को भी स्वीकार करना चाहते हैं ताकि लोग उनको आधुनिक भी समझे, पूरी तरह से परंपरावादी या रूढ़िवादी ना कहे। तो देखिए उस क्वार्टर के स्थान पर अब एक 6 मंजिला मकान बन गया है। यशोधर बाबू को एक मंजिला क्वार्टर तोड़कर ये बहुमंजिली इमारतें अच्छी नहीं लगती हैं। यही कारण है कि उन्हें उनके पद के अनुकूल एंड्रयूजगंज लक्ष्मीबाई नगर पंडारा रोड पर D2 टाइप अच्छे क्वार्टर मिलने का ऑफर भी स्वीकार नहीं है और वे यहीं पर जमे रहना चाहते हैं। जब उनका क्वार्टर तोड़ा जाने लगा तब उन्होंने यहीं शेष क्वार्टर्स में से एक अपने नाम अलॉट करा लिया। क्यों? क्योंकि किशनदा की स्मृति को बनाए रखने के लिए वो इस क्षेत्र में ही रहना चाहते हैं। किशनदा की याद आते ही यशोधर बाबू सोचते हैं कि क्या ये अच्छा नहीं रहता कि किशनदा के समान शादी ही न करते और पूरा जीवन समाज के लिए समर्पित कर देते। किंतु उनको स्मरण आता है कि किशनदा का बुढ़ापा अच्छा नहीं बीता। उसका कारण क्या था? वो अकेले थे, विवाह हुआ नहीं तो बुढ़ापे में उनको संभालने वाला कोई भी नहीं था और उनको अपने मित्रों ने, सगे संबंधियों ने, रिश्तेदारों ने, परिवार वालों ने किसी ने भी उनको शरण नहीं दी। यहाँ तक कि उन लोगों की जिनकी इन्होंने मदद की उन लोगों ने भी इनको बुढ़ापे में कोई सहारा नहीं दिया। तो सेवानिवृत्त होने के बाद जब किशनदा को क्वार्टर खाली करना पड़ा तो उनके किसी भी साथी ने उन्हें शरण नहीं दी और उन्हें क्या करना पड़ा? अपने गाँव लौटना पड़ा, जहाँ साल भर बाद ही उनकी मृत्यु हो गई। समाज ने यह भी जानना नहीं चाहा कि उनकी मृत्यु इतनी जल्दी किस कारण से हुई। किशनदा से मिली सीख भी यशोधर बाबू को याद आती है। यशोधर बाबू को याद आता है कि प्रतिदिन भ्रमण से लौटते हुए, यानी घूम करके जब वो लौटते हैं तो किशनदा अपने मानस पुत्र किसको कहा है? YD पंथ, अर्थात यशोधर बाबू। तो किशनदा जब घूम कर लौटते थे तो अपने मानस पुत्र जो मतलब जन्म तो नहीं लेता परंतु उसे पुत्र के रूप में स्वीकार कर लिया जाता है, यशोधर के घर अवश्य आते थे। किशनदा ने ही उन्हें जल्दी उठना और सैर पर जाना सिखाया था, यानी घूमने जाना सिखाया था। किशनदा हमेशा कहा करते थे, अर्ली टू बेड एंड अर्ली टू राइज मेक्स अ मैन हेल्दी एंड वाइज, मंत्र दिया था और ये सत्य भी है कि बेड से जल्दी उठो और जल्दी ही सो, ये स्वस्थ रहने का मूल मंत्र है। किशनदा उनको भाऊ कहते थे और जो उनको बहुत अच्छा लगता था।
किशनदा के यशोधर ने अनेक रूप देखे, किंतु ये छवि तो उनके मन में बस गई है कि सुबह की सैर को निकले किशनदा कुर्ते पाजामे के ऊपर ऊनी गाउन पहनकर, गोल विलायती टोपी सिर पर लगाकर, पाँव में देशी खड़ाऊ धारण करके, घड़ी हाथ में लेकर दिखाई देते हैं। वह दृश्य यशोधर बाबू भुला नहीं सके हैं। यही कारण है कि जब तक किशनदा दिल्ली में रहे, तब तक यशोधर बाबू ने उनके पट्ट शिष्य, मतलब पट्ट शिष्य वो कहलाता है जिस शिष्य को गुरु अपनी स्थान पर निर्धारित कर देता है या अपने स्थान पर स्थापित कर देता है, पट्टाधिकारी जिसे कहा जाता है, पट्ट शिष्य की भूमिका पूरी निष्ठा के साथ निभाई। भले ही पत्नी व बच्चे नाराज रहे हो, अपने घर पर होली गवाना, जनेऊ बदलने के लिए कुमाऊनियों को अपने घर पर आमंत्रित करना, रामलीला वालों को क्वार्टर का एक कमरा दे देना आदि कार्य यशोधर बाबू ने किशनदा से ही विरासत में प्राप्त किए थे। यशोधर को इस बात का दुख है कि किशनदा का बुढ़ापा सुखी नहीं रहा। अब आगे का घटनाक्रम, यशोधर व परिवार के सदस्यों का संबंध, क्योंकि मैंने कहा आपको परंपराओं और नवीन संस्कारों का मेल बहुत मुश्किल होता है। तो सिद्धांत के पक्के यशोधर का पिछले कई वर्षों से अपनी पत्नी व बच्चों से हर छोटी बड़ी बात पर मतभेद रहता है। इसी कारण वे घर जल्दी लौटना नहीं चाहते। उदाहरण के लिए उन्हें अपनी पत्नी का आधुनिका बनना तनिक भी पसंद नहीं है, क्योंकि इनकी पत्नी क्या है, पुत्री के कहने पर मॉडर्न बनने का प्रयास करती है, जबकि वो मूल संस्कारों से आधुनिक नहीं है, परंतु शारीरिक रूप से दिखावा करने के लिए वो क्या करती है, आधुनिक बनने का ढोंग करती है या प्रयास करती है, क्योंकि वह मूल संस्कारों से आधुनिक नहीं है। वह बच्चों की तरफदारी करती हुई मोड़ बन गई है, मोड़ यानी आधुनिक बन गई है। यशोधर बाबू की पत्नी की शिकायत है कि जब हम संयुक्त परिवार में रहते थे, आज देखिए एक और पीड़ा का चित्रण यहाँ पर है कि जॉइंट फैमिली जिसे हम कहते हैं संयुक्त परिवार, वो प्रथा खत्म हो गई है, आज एकाकी परिवार बन गए जहाँ पर कोई भी व्यक्ति अपने आप को सुरक्षित महसूस नहीं करता, आज उनसे बोलने वाला कोई भी नहीं होता, तब उनके पति ने कभी उसका पक्ष नहीं लिया। यशोधर परंपरावादी हैं, किंतु उनके बच्चे क्या हैं, आधुनिक है, अतः उनकी पत्नी बच्चों के पक्ष में रहती है। उनकी पत्नी परंपराओं को क्या मानती है, ढोंग ढकोसला मानती है। यशोधर बाबू पत्नी के इस बदलाव को देखकर क्या कहते हैं, शानियल बुढ़िया चटाई का लहंगा, बूढ़ी मुँह मुँह से लोग करे तमाशे कहकर मजाक उड़ाते हैं। मतलब कहने का मतलब है कि ज़्यादा समझदार बुढ़िया है, लेकिन इसने जो धारण किया है उससे इसकी वास्तविकता नज़र आती है और लोग उसका मजाक उड़ाते हैं। उनके बड़े बेटे को एक प्रमुख विज्ञापन संस्था में 1,500 रुपये मासिक की नौकरी मिल गई है। यह उनको साधारण पुत्र को असाधारण वेतन वाली नौकरी प्रतीत होती है, क्योंकि इनका अपने संतान पर ही विश्वास नहीं है, ये मानते हैं कि वो इतनी तनख्वाह के योग्य नहीं हैं। मंझले पुत्र का एलाइड सर्विसेज में न जाना भी उनको अच्छा नहीं लगता। बेटी का विवाह के लिए तैयार नहीं होना भी उनको खटकता है। बच्चों की कुछ बातें उनको सही लगती है, जैसे DDA फ्लैट के लिए पैसा न भरने को वे मन ही मन अपनी भूल मानते हैं। बच्चों के तर्कों के सामने निरुत्तर होकर वे सोचते हैं कि पुश्तैनी घर में जाकर मरम्मत की जिम्मेदारी लेने के अतिरिक्त बेकार के झगड़े भी लेने पड़ेंगे। क्यों? क्योंकि जो इनका पुश्तैनी घर है वो जहाँ पर है वहाँ पर लोगों ने क्या कर लिया है, कब्जा कर लिया है, और अब कब्जा छुड़ाना है तो उनसे झगड़े करने पड़ेंगे। किंतु यशोधर बाबू किशनदा से प्रभावित हैं, जो कहा करते थे कि मूर्ख लोग मकान बनाते हैं और सयाने उनमें रहते हैं। जब तक सरकारी नौकरी तब तक सरकारी क्वार्टर, इसलिए ये मकान नहीं बनाते। रिटायर होने पर गांव का पुश्तैनी घर, बस वे ये भी सोचते हैं कि उनके रिटायर होने से पहले उनका बेटा सरकारी नौकरी में आ जाएगा और क्वार्टर उनके पास बना रहेगा। आगे देखिए, इन घटनाओं से गुजरते हुए वो मंदिर पहुंचते हैं, तो मंदिर में उनकी मनोदशा कैसी होती है,
तो मंदिर में यशोदर की मानसिक दशा का चित्रण करते हुए लेखक कहते हैं कि आज प्रवचन सुनने में यशोदर जी का मन नहीं लग रहा है। वस्तुतः वह मन से धार्मिक अथवा कर्मकांडी नहीं है, वे तो अपने आदर्श किशनदा की परंपरा का निर्वाह कर रहे हैं। उम्र ढलने के साथ वे किशनदा के समान मंदिर जाने लगे हैं, संध्या भी करते हैं, गीता प्रेस गोरखपुर की पुस्तकें भी पढ़ते हैं, किंतु उनका मन इन चीज़ों में लगता नहीं है। वे मन को समझाने का प्रयास करते हैं कि अब आसक्ति त्याग कर परलोक के विषय में सोचना चाहिए। प्रवचन में जब जनार्दन शब्द आता है तो जनार्दन शब्द सुनकर उन्हें अपने जीजा जनार्दन जोशी की याद आती है, जिनकी तबीयत खराब है और उनका हालचाल पूछने अहमदाबाद जाना पड़ेगा, किंतु इनको तुरंत ख्याल आता है कि पत्नी व बच्चों को मेरा जाना पसंद नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि आज की पीढ़ी संबंधों को निभाने में ज़्यादा विश्वास नहीं रखती और पुराने संबंधों को तो वो खींचना नहीं चाहती, लंबा खींचना पुराने संबंधों को उन्हें अच्छा नहीं लगता। उनके बच्चों व पत्नी का विचार है कि बिखरे हुए संयुक्त परिवार के प्रति यशोधर बाबू का जो एक तरफा लगाव है वो आर्थिक दृष्टि से सर्वथा मूर्खतापूर्ण है, क्योंकि पैसा खर्च होता है वो तो आते नहीं और आप जाते और बार बार पैसा खर्च होता, तो आर्थिक दृष्टि से इसे क्या मानते हैं, वो मूर्खतापूर्ण मानते हैं। यशोधर बाबू खुशी व गम के हर मौके पर रिश्तेदारों के यहाँ जाना जरूरी मानते हैं और चाहते हैं कि बच्चे भी पारिवारिकता के प्रति उत्साही हो। इस प्रकार से यशोधर बाबू संबंधों के निर्वहन को उचित मानते हैं, परंतु उनका परिवार उचित नहीं मानता। आगे का घटनाक्रम मैं अगली कक्षा में प्रस्तुत करूँगा। धन्यवाद।